हम शुरू करते हैं दूसरी कविता, बात सीधी थी पर की व्याख्या। ये लंबी कविता है, इसको हम दो टुकड़ों में व्याख्या करेंगे। तो पहले वाले हिस्से की व्याख्या करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले कवि की भावभूमि पर विचार करेंगे। तो जैसा कि हमने पहली वाली कविता में कवि की भावभूमि पर चर्चा की थी, वही ज्यों का त्यों हम यहाँ लिख सकते हैं। अब आते हैं कविता की भावभूमि पर, तो उसे देख लेते हैं, क्योंकि यह दूसरी कविता है इसलिए इस कविता के विचार भी भिन्न होंगे। यहाँ पर कवि ने अपनी इस कविता में खास तौर पर यह बताया है कि जब हम सहजता के साथ अपनी बात काव्य रचना में करने की बजाय वहाँ भाषा का कौशल दिखाने लगते हैं, भाषा की बाजीगरी करने लगते हैं, तब वह बहुत जटिल हो जाती है और वह कविता अपने सही अर्थों में अभिव्यक्त नहीं हो पाती, और जो बात हम कहना चाहते हैं कवि के तौर पर वो बात उसी भाषा के जाल में उलझकर रह जाती है। तो चलिए इसका पहला हिस्सा देखते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी हो गई। कवि बहुत सहजता से कह रहे हैं कि मैं जो कुछ अपनी कविता में अभिव्यक्त करना चाहता था वो बड़ी सीधी सी बात थी, सरल सी बात थी, लेकिन भाषा के कारण, भाषा की जटिलता के कारण वह बात सरल और सीधी नहीं रही बल्कि पेचीदा हो गई, जटिल हो गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उलटा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। कुंवर नारायण जी कहते हैं कि जब बात उलझ गई और जो मैं कहना चाहता था लगा कि वो उस तरह से मैं कह नहीं पा रहा हूं, तब मैंने कोशिश की, प्रयास किया कि उस बात को जो खो गई है, गुम गई है, उलझ गई है, मैं उसे फिर से पा सकूं। इसके लिए मैंने भाषा को उल्टा पलटा, शब्दों को यहां का वहां रखा, जिन्हें पहले कहा था उन्हें बाद में कहा, जो बाद में कहा गया था उसे पहले लाया, तोड़ा मरोड़ा, कुछ शब्द अच्छे नहीं लगे तो उनकी जगह दूसरे शब्द लाए, कुछ शब्द बड़े थे तो मैंने उनका छोटा रूप करने की कोशिश की, घुमाया फिराया, कई तरह के कर्तव्य किए, और चाहता ये था कि या तो इससे जो मैं कहना चाहता हूं वो बात ठीक तरीके से कह दूं या फिर भाषा के जंजाल से वो बात बाहर निकल आए तो मैं मुक्त हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कवि कहते हैं लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि कहते हैं मेरी इन कोशिशों के कारण उल्टा ही नतीजा निकला, जो बात मैं कहना चाहता था वो भाषा के पेचीदेपन के कारण, भाषा की जटिलताओं के कारण वो बात भी उतनी ही जटिल होती चली गई और मामला बिगड़ गया। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कवि ने यहां पर अपनी बात को समझाने के लिए एक रूपक बांधा है और वो रूपक है पेंच का, कि जब हम किसी पेंच, जो चूड़ीदार पेंच होता है, अगर उसको हम किसी लकड़ी में या दीवार पर कसना चाहें तो हमें उसे घुमा करके कसना चाहिए ताकि उसकी कसावट ठीक रहे। चूड़ी इसलिए है कि कसावट बनी रहे।
लेकिन कवि कहते हैं कि जब मैं धीरज खोकर कविता को धैर्य से मैं लिखता समझता और उसमें सहज सरल भाषा का प्रयोग करता, ऐसा मैंने नहीं किया। मुझमें इतना धीरज शायद नहीं था। उल्टा मैंने क्या किया कि मैंने पेंच को खोल लेना था मुझको, अगर वो टाइट नहीं हो रहा है, ठीक लग नहीं रहा है, अपनी जगह पे बैठ नहीं रहा है, तो मैं उसको जबरदस्ती कसता चला गया। और ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि बहुत सारे वो लोग जो कविता को नहीं समझते मगर अपने आप को विद्वान कहने में भी संकोच नहीं करते, वो मेरी जटिल और क्लिष्ट भाषा पर तालियां बजा रहे थे, वाहवाही कर रहे थे, वाह क्या बात कही है, क्या बढ़िया शब्दों का प्रयोग की हुआ है। उनकी वाहवाही और शाबाशी से मैं उन्हीं गलत सलत शब्दों का, जटिल शब्दों का, क्लिष्ट शब्दों का, तत्सम शब्दों का, जिनका कविता में कोई लेना देना नहीं था, प्रयोग करता चला गया। और मैंने कविता में जो अभिव्यक्ति होनी थी वो किस तरह नष्ट हो रही है, बर्बाद हो रही है, अपना स्वरूप प्राप्त नहीं कर पा रही है, ये नहीं देखा। तो इस तरह इसके इस हिस्से की ये कविता पूरी हुई। व्याख्या करने से पहले संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है। तो संदर्भ में हम लिखेंगे कि यह कविता हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह से ली गई है और कविता का शीर्षक है बात सीधी थी पर, और इसके रचनाकार हैं कुंवर नारायण जी। प्रसंग में हम बता सकते हैं कि इस कविता में भाषा की जटिलता के कारण कवि की अभिव्यक्ति ही अर्थहीन हो जाया करती है, इस बात को कवि ने कविता के जरिए हमें बताने की कोशिश की है। और व्याख्या के बाद हम पद सौंदर्य पर आएंगे। पद सौंदर्य में हम देखते हैं कि इसमें प्रतीकात्मकता भी है। जैसे ये लाइन देखिए, मैं पैंच को खोलने की बजाय, पैंच प्रतीक है कि अगर हम भाषा को ठीक तरीके से सादगी के साथ उसका प्रयोग करें तो हम अपनी बात को भी बहुत अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा सकते हैं। तो पेंच जो है वो इस बात का प्रतीक है कि उसके अंदर जो चूड़ी है उसके अंदर उससे कसाव आता है, पर चूड़ी हम तोड़ दें, चूड़ी को हम नष्ट कर दें तो खीला ढीला पड़ जाएगा, अर्थात कविता के अंदर वो कसावट बुनावट नहीं रहेगी जो एक कविता के शिल्प में होनी चाहिए। तो यहां प्रतीकात्मकता है। दूसरा, इसके भाषा के बारे में हम कहें कि कवि कह तो रहा है कि मैंने जटिल शब्दों का प्रयोग करके कोई कविता रची थी, पर यह कविता जो उस बारे में है ये सरल सहज बोलचाल के शब्दों से परिपूर्ण है। हिंदी और उर्दू के भी शब्दों को कवि ने उदारता के साथ उनका प्रयोग किया, जैसे पेचीदा वगैरह जो शब्द हैं ये उर्दू से आए हैं। फिर मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, यहां पर बिंब है, बिंब यानी दृश्य। जब कवि ये लिखता है तो हमारे आंखों के सामने एक दृश्य उभरता है कि कोई कारीगर पेंच को कस रहा है, और पेंच को कितना कसना चाहिए इस पर ध्यान दिए बिना वो लगातार उसके ऊपर कसाव ला रहा है और इससे उसकी चूड़ी भी नष्ट होने वाली है। ये बिंब एक बनता है, तो कवि ने बिंब विधान का प्रयोग किया है। कविता में शांत रस है क्योंकि इसमें एक सहज तरीके से विषय का वर्णन किया गया है। अब इसका दूसरा हिस्सा लेते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि ने उसी बिंब को और विस्तृत किया है। वो कहते हैं कि आखिर वही हुआ जिससे मैं डरा बैठा था कि ना हो जाए। क्या हुआ? जो पेंच कवि कस रहा था
जो भाषा और अभिव्यक्ति के बीच में रस्साकस्सी हो रही थी उसके कारण पेंच की चूड़ी मर गई। अब जब चूड़ी नहीं होगी तो वो कील ढीली हो जाएगी, वो उल्टी भी घूमेगी सीधी भी घूमेगी और उसमें कसाव नहीं होगा, ढीली हो जाएगी। तो कविता ढीली हो गई, कसावट चली गई, अभिव्यक्ति हो नहीं सकी, भाषा की क्लिष्टता उसके ऊपर लद गई, बोझ बन गई। कवि कहता है ये हुआ, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। हम लोग सब भी यही करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी पेंच को दीवार पर कसना चाहते हैं, वह कसता नहीं तो हम उस पर दो तीन हथौड़ी लगाकर चाहते हैं खीले की तरह दीवार पर ठोक जाए, पर चूंकि उस पर चूड़ी है, चाहे वो मरी हुई हो चाहे आधी अधूरी हो, है तो चूड़ी, तो वो पूरी तरह से कसती नहीं है और ठोक देने से और भी ढीली पड़ जाती है। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। कुंवर नारायण कहते हैं मैंने ठोक तो दिया लेकिन ऊपर से तो सब ठीक दिख रहा था कि कील लगी है दीवार पर अगर उसको हम छुएं तो हमें मालूम पड़ता है कि वो ढीली है, उसमें कसाव भी नहीं है और किसी चीज को संभालने की ताकत भी नहीं है। कविता में भी यही हुआ कि ऊपर से कविता दिख रही है कि अच्छा ये पंक्तियां जो है ऐसी लिखी गई हैं तो ये कविता है, पर उस कविता के अंदर ना तो कविता की शक्ति है और ना कविता वाली बनावट कसावट है जिसमें एक एक शब्द कीमती होता है, मूल्यवान होता है। कविता का एक शब्द आप हटा नहीं सकते, इधर से उधर नहीं कर सकते, अन्यथा कविता पूरी की पूरी डगमगा जाएगी। तो जब ऐसे चुनिंदा शब्दों के साथ कविता रची जाती है, बुनी जाती है, तभी वह सबसे सशक्त कविता बनती है। आखिरी छंद है, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। उपमा अलंकार आ गया क्योंकि कविता के अंदर जो बात है उसको कवि कहता है कि वो बात नहीं, एक ऐसा छोटा शरारती बच्चा है जो मुझे तंग कर रहा है। मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर पूछा उस बच्चे ने, शरारती बच्चे ने, कविता के अंदर जो अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति रूपी बच्चे ने, और कवि उसको शरारती कह रहा है क्योंकि कवि उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, नियंत्रण नहीं कर पा रहा। उसने पूछा, जब देखा कि मैं पसीना पोंछ रहा हूं तो उसने पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? क्या मार्के की बात कही है? वो बात अभिव्यक्ति अपने कवि से कह रही है कि भैया तुम कवि हो, कविताएं रचते हो, एक बात तो बताओ, क्या तुम कविता के अंदर जिस भाषा को जिस सहजता से सरलता से आना चाहिए, सहूलियत और सुविधा से आना चाहिए, तुमने ऐसी भाषा का प्रयोग करना सीखा ही नहीं? ये सवाल है तमाम ऐसे कवियों से। कुंवर नारायण जी अपने आप से सवाल नहीं कर रहे हैं, ये सवाल उस समूची कवि पीढ़ी पर है जो भाषा की जटिलता के कारण अपनी अभिव्यक्ति को ही गंवा बैठते हैं। इसमें भी संदर्भ लिखा जाएगा तो संदर्भ तो वही होगा जो पहले वाले हिस्से का था। प्रसंग में हम बताएंगे कि कवि ने यहाँ पर जो है कविता जो है वो भाषा के कारण जब जटिल हो जाती तो अपना अर्थ खो देती है, फिर वो कविता भी नहीं रहती, ये कहना चाहा है। तो ये हो गया। अब हम इस दूसरे हिस्से का पद सौष्ठव भी देख लेते हैं। तो इसमें पहले है कि भाषा बड़ी सरल सहज और बोलचाल की भाषा कविता में आई है, तो कवि कह रहा है कि जटिल भाषा का प्रयोग करने से कविता नष्ट हो जाती है। तो जो इतना सजग कवि है, जो ये बात जानता है, वो अपनी कविता में तो जटिलता नहीं लाएगा। तो उनकी इस कविता को जब हम देखते हैं, उन्हीं की कसौटी पर देखते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि नहीं, इसकी भाषा सरल सहज हम समझ रहे हैं। दूसरी बात है कि इसमें हिंदी उर्दू और बोलचाल के जो शब्द हैं आपस में हम बातचीत जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं बातचीत में, वैसे ही शब्द कवि ने कविता में भी प्रयुक्त किए हैं।
और यह कविता की खासियत है कि अगर आप सरल भाषा में सहज तरीके से अपनी बात कहेंगे तो लोग उसको समझेंगे और वो कविता हमेशा जिंदा रहेगी। तीसरी बात है, कविता में संप्रेषणीयता का गुण है, कम्युनिकेट करती है कविता। हम यहां से कविता पढ़ रहे हैं तो वो आप तक पहुंच रही है, आप उसको समझ रहे हैं, आप उसको जान रहे हैं, आप उसके अंदर अपनी पैठ बना रहे हैं। ये कविता का गुण है कि उसमें पठनीयता होनी चाहिए, लोग उसे पढ़ सकें, और सुनाई जा रही है तो सुनते ही वो हमारे अंदर हृदयंगम हो सके, हम उसके अर्थों के साथ अपना तादात्म बना सकें। इस कविता में भी शांत रस है और उपमा अलंकार तो आया ही था, यहाँ पर बच्चे की, शरारती बच्चे के साथ कविता में बात की तुलना की गई थी। तो विशेष यह है कि किसी भी कवि को अपनी भाषा के लेकर के बहुत सजग रहना चाहिए और कविता में सरलतम भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो यह था कुंवर नारायण जी की दूसरी कविता बात सीधी थी पर की व्याख्या। अगली बार हम उनकी दोनों ही कविताओं पर आधारित प्रश्नोत्तर करेंगे। आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाकर आप हमारी वेब लिंक पा सकते हैं और वेब लिंक से आप वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। वहां आपको इसका टेक्स्ट मिलेगा, बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे आपको जो आपके लिए बड़े उपयोगी होंगे, उसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके मन में इस अध्ययन चर्चा के बारे में कोई जिज्ञासा हो, कुछ जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात कहिए, हम उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद।